एक टाइम था जब हम कहीं जाने को निकलते थे तो पूरा का पूरा पता लेकर निकलते थे, ताकि अपनी डेस्टिनेशन ढूंढने में दिक्कत ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम आती तो हमारे मार्गदर्शक बनते चौराहे की दुकान वाले भैया, रिक्शा वाले, ठेले वाले या तो पान वाले भैया। फिर जैसे तैसे पूछते पाछते हम सही लोकेशन पर पहुंचते तो जहां जा रहे हैं उनकी ओर से कोई रिसीव करने भी आता था, ताकि सही गली और सही मकान में हमारी एंट्री हो। और आजकल हम और आप मोबाइल निकालते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं और सीधे डायरेक्शन वाले एरो पर क्लिक कर देते हैं और गूगल मैप हमें हमारा रास्ता दिखा देता है। सिंपली कहें तो किसी अनजान जगह पर गूगल मैप हम जैसे लोगों के लिए अंधे की लाठी के बराबर है। क्रिस्टोफर कोलंबस आज होते, उनसे ज्यादा शायद ही कोई खुश होता। आप रनिंग या साइकिलिंग करने जाते हैं तो जो डिस्टेंस आप कवर करते हैं उसका पता भी आपको जीपीएस से ही चलता है। अब गूगल मैप जिस टेक्नोलॉजी पर चलता है उसे कहते हैं जीपीएस, यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसी टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी इतनी आसान बना दी है कि छोटे से छोटा एड्रेस, दुकान, होटल, ढाबा, गैराज, लगभग सभी कुछ मैप पर अवेलेबल है। अपनी लाइव लोकेशन शेयर करने वाला फ्यूचर जब से व्हाट्सएप पर आया है, तब से अनरजिस्टर्ड एड्रेस पर भी हम लोगों को बुला लेते हैं और चले भी जाते हैं। तो आज infinitystream.tv की ये डॉक्यूमेंट्री आपको ले चलेगी जीपीएस की एक नॉलेजेबल, इंफॉर्मेटिव एंड हाईटेक जर्नी पर। चलिए चलते हैं। जीपीएस, जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये एक्चुअली एक मिलिट्री इन्वेंशन है। इसका नाम था नेव स्टार और इसका सैटेलाइट 1978 यानी कि 1978 में लॉन्च हुआ। लेकिन सभी नेव स्टार सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजने के लिए नहीं बनाया गया था। यूएसए में जीपीएस पूरी तरह से 1995 में काम करने लगा, लेकिन साल 2000 तक हाईएस्ट क्वालिटी सिग्नल्स सिर्फ मिलिट्री पर्पस के लिए थे। उसके बाद आम लोगों के लिए इसे एक फ्री सर्विस की तरह शुरू किया गया। आज यूएसए में जो जीपीएस टेक्नोलॉजी है उसे यूएस एयरफोर्स मैनेज करती है। आजकल जो रिसीवर्स हैं वो जीपीएस के साथ साथ रशिया के ग्लोनास सैटेलाइट्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं, ताकि दुनिया के किसी भी कोने में सही लोकेशन की जानकारी भेजी जा सके। जीपीएस की खास बात यह भी है कि इसे काम करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन या फोन के सिग्नल्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इंटरनेट कनेक्शन और सिग्नल्स के साथ ये जबरदस्त एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जीपीएस अब लगभग हर कहीं यूज हो रहा है। आजकल तो जीपीएस इनेबल्ड जूते भी आ गए हैं, जो अल्जाइमर के मरीजों के लिए डिजाइंड है, जिनसे उन्हें ढूंढने में आसानी होती है। चलिए अब ये टेक्नोलॉजी पर काम कैसे करती है उसके बारे में जानते हैं। जीपीएस के काम करने के तीन बेसिक पार्ट्स हैं। नंबर वन, सैटेलाइट्स। नंबर टू, ग्राउंड स्टेशंस। और नंबर थ्री, रिसीवर्स। अगर सैटेलाइट्स की बात करें तो जैसे हमारे पूर्वज आसमान में तारों को देखकर अपनी दिशा और जगह का अंदाजा लगाते थे, वही काम आज के मॉडर्न सैटेलाइट्स करते हैं। इन्हें काम करने के लिए सही समय और सही जगह पर होना जरूरी है। अब ग्राउंड स्टेशंस अपने रडार से ये पता लगाते हैं कि सैटेलाइट्स आखिर है कहां। ये वही है ना जहां एक्चुअली में इन्हें होना चाहिए। अब आपके कार, मोबाइल या दूसरे किसी डिवाइस में अगर मैप है तो उसका जो रिसीवर होता है वो ये पता करता है कि सैटेलाइट से वो कितनी दूर है। जब रिसीवर को ये पता लग जाता है कि ऐसे चार सैटेलाइट से वो कितनी दूर है, तो वही आपकी लोकेशन होती है। और ये इतना एक्यूरेट होता है कि आप कितने किलोमीटर या फीट दूर हैं, इसकी जानकारी भी आपके रिसीविंग डिवाइस या मोबाइल पर दिखने लगती है। यूएसए के जीपीएस सिस्टम में 32 सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहे हैं। इनमें से 24 कोर सैटेलाइट्स हैं और बाकी के 8 रिप्लेसमेंट के लिए हैं। अगर इन 24 में से किसी सैटेलाइट्स में अगर कोई दिक्कत आ जाए तो ये 8 सैटेलाइट्स इमरजेंसी रेस्पॉन्स के लिए है। 24 घंटे नॉनस्टॉप काम करने के लिए इनकी मॉनिटरिंग, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का काम भी देखना होता है। इतना कुछ करने के बाद ये लगभग 10 साल ही अपनी सर्विस दे पाते हैं। इनको कुछ इस तरह बनाया गया होता है कि ये ऑल वेदर कंडीशन में काम कर सके।
लेकिन इन सब के बीच सबसे जरूरी पॉइंट है आपके मोबाइल या रिसीविंग डिवाइस का एक साथ चार सैटेलाइट्स के साथ कनेक्टेड रहना, तभी आपको आपकी एक्यूरेट लोकेशन मिलती है, क्योंकि जीपीएस ट्राइलेट्रेशन मैकेनिज्म पर काम करता है। यह सुनने में काफी टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा है, पर चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। 2D ट्राइलेट्रेशन मेथड से मैप पर सैटेलाइट का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता चलता है। मान लीजिए कि आप दिल्ली में हैं और एक लंबी वॉक पर निकले हैं या लगातार दौड़ते जा रहे हैं। दौड़ते दौड़ते कई दिनों बाद आपने अपना पहला स्टॉप लिया। आपको पता है कि आप अपने देश में ही हैं, लेकिन बिना जीपीएस के आपको पता नहीं है कि आप कहां हैं। अब आपको रास्ते में कोई मिला और आपने उनसे पूछा कि आप कहां हैं। उन्होंने आपको एग्जैक्टली नहीं बताया, पर आपको कुछ क्लू दिए कि आप दिल्ली से 200 किलोमीटर की दूर जयपुर के आसपास कहीं हैं। अब आपको जो जवाब चाहिए वैसा कुछ नहीं मिला। क्लैरिफिकेशन के लिए अगले व्यक्ति से पूछने पर आपको पता चला कि आप देहरादून से 300 किलोमीटर दूर हैं। अब अगर आप अपनी लोकेशन को किसी पेपर पर दो सर्कल्स बनाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं और आप वही कहीं पर हैं। फाइनली आपने किसी तीसरे व्यक्ति से हेल्प मांगी। अब आपको जवाब मिला कि आप दिल्ली और राजस्थान के किसी बॉर्डर के पास हैं। जब आप पेपर पर तीसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे तो पता चला कि तीनों सर्कल जहां से क्रॉस हुए हैं आप वहां हैं। अब आपको पता चला कि आप फॉर एग्जाम्पल भिवाड़ी में है, यही आपकी एग्जैक्ट लोकेशन है। अब अगर 3D ट्राइलेट्रेशन मेथड को डिस्क्राइब करें तो यहां आपको कागज पर सर्कल्स बनाने की जरूरत नहीं है, यहां स्फेयर्स होते हैं। 3D ट्राइलेट्रेशन में लैटिट्यूड यानी कहां है, लॉन्गिट्यूड यानी किस दिशा में है और एल्टीट्यूड मतलब कितनी ऊंचाई पर है, तीनों दिखते हैं। जीपीएस में 3D ट्राइलेट्रेशन से आपको आपकी सटीक लोकेशन मिल जाती है। इस तरह आपका रिसीवर जब चार सैटेलाइट्स से कम्युनिकेट करता है तो चारों सैटेलाइट्स की रेंज से जो सर्कल बनता है उसी से आपकी एग्जैक्ट लोकेशन मालूम चलती है। जितना ज्यादा सैटेलाइट्स की रेंज में रहेंगे उतना ज्यादा अपनी सही लोकेशन आप देख पाएंगे। अब ये कैलकुलेशन होता कैसे है, मतलब सैटेलाइट्स को कैसे पता चलता है कि आप कहां हैं? अब ये भी जान लीजिए, दरअसल जीपीएस सैटेलाइट्स लगातार रिसीवर्स को करंट टाइम में थोड़ी देर के गैप में सिग्नल्स भेजते रहते हैं। यही जानकारी रिसीवर को सिग्नल्स के तौर पर मिलती रहती है। अब इन रेडियो सिग्नल्स को रिसीवर एनालाइज करता है दो जरूरी बातें पता करने के लिए। नंबर 1, आसमान में कम से कम 3 सैटेलाइट्स की लोकेशन, और नंबर 2, रिसीवर या हमारे और सैटेलाइट्स के बीच की दूरी कितनी है। जिन रेडियो वेव्स से सिग्नल्स भेजे जाते हैं वो बहुत ही तेजी से रिसीवर और सैटेलाइट्स के बीच ट्रैवल करते हैं। अब रिसीवर ये कैलकुलेट करता है कि रेडियो सिग्नल्स सैटेलाइट्स से होकर आने में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, पर ये आसान नहीं होता। एक्चुअली जीपीएस सैटेलाइट्स में ऑटोमिक क्लॉक्स लगे होते हैं जो बिल्कुल सही टाइम बताते हैं, पर ये 50,000 से $1,00,000 तक महंगे होते हैं। अगर यही एटॉमिक क्लॉक हमारे मोबाइल में लगे हो तो मोबाइल रखना हमारे बस का नहीं होता, पर मोबाइल में रेगुलर क्वार्ट्ज क्लॉक होते हैं जो सैटेलाइट से मिल रहे इंफॉर्मेशन और सैटेलाइट टाइमिंग्स के अकॉर्डिंगली खुद को अपडेट करते रहते हैं। अब यहां आपसे एक सवाल, क्या आपको आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पता है? अगर पता है तो आप अपनी प्रॉब्लम को आसानी से समझ पाएंगे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी से बहुत दूर स्पेस में होता है तो उसके लिए टाइम बहुत तेजी से गुजरता है। अगर आपने क्रिस्टोफर नोलान की मूवी इंटरस्टेलर देखी होगी तो उसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दिखाया गया है। तो इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के चलते ही रिसीवर की टाइमिंग के कंपैरिजन में सैटेलाइट्स की टाइमिंग हर दिन 38 से 45 माइक्रोसेकंड्स बढ़ती चली जाती है। अगर सैटेलाइट्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व ना करें तो हर दिन जीपीएस लोकेशंस 6 माइल्स तक बढ़ जाएंगे। अब 3 या 4 सैटेलाइट्स के साथ जब आपका रिसीवर एक साथ कनेक्ट होता है
तो 38 माइक्रोसेकंड्स टाइम डिफरेंस के चलते आपको हर बार गलत मेजरमेंट्स मिलते हैं। इसीलिए इन सैटेलाइट्स को पृथ्वी से लगभग 20,000 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में छोड़ा जाता है, जहां पृथ्वी की ग्रेविटी का इंपैक्ट बहुत कम रह जाता है और ज्यादा टाइम डिफरेंस नहीं रहता। रिसीवर को सिर्फ ये पता होना काफी नहीं है कि सैटेलाइट कितनी दूरी पर है, पर स्पेस में एग्जैक्टली कहां है, ये इंफॉर्मेशन सबसे जरूरी है। तो ये उतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि सैटेलाइट्स अपने ऑर्बिट में ही एक स्पेसिफिक डिस्टेंस में घूमते रहते हैं। साथ ही रिसीवर में एक GPS एल्मनैक होता है, जिससे रिसीवर को ये पता चलता है कि कौन से सैटेलाइट को किस वक्त कहां होना चाहिए। इसकी ट्रैकिंग लगातार चलती रहती है। सूरज और चंद्रमा का फोर्स भी सैटेलाइट्स पर इंपैक्ट डालते हैं, पर धरती पर सैटेलाइट्स को मेंटेन करने वाला सेंटर रिसीवर को सही और अपडेटेड जानकारी और सैटेलाइट्स सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है। GPS से एंड यूजर्स को ना सिर्फ एक्यूरेट लोकेशन मिलती रहती है, साथ ही टाइम भी इतना करेक्ट होता है कि आप अपनी मंजिल पर कितनी देर में पहुंचेंगे उसका हिसाब भी बिल्कुल सही निकलता है। ये टाइमिंग एक सेकंड के 10 बिलियन हिस्से जितना एक्यूरेट होता है। GPS सैटेलाइट से भेजी गई जानकारी इतनी सटीक होती है कि बैंकिंग सिस्टम्स, पावर ग्रिड्स, सेल्यूलर नेटवर्क्स इन पर बहुत हद तक डिपेंडेंट होते हैं। आप जब कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो कब, कहां और कितने बजे आपने ट्रांजेक्शन किया है, उसकी सही जानकारी आपको मिलती है। आपको याद होगा, वीडियो की शुरुआत में हमने बताया था कि GPS टेक्नोलॉजी को सबसे पहले USA ने अपनी मिलिट्री पर्पस के लिए डिवेलप किया था, जिसमें फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, शिप्स और यहां तक कि सोल्जर्स कहां मौजूद है उसका पता लगाया जा सके। बाद में इसे पब्लिक के लिए फ्री कर दिया गया। तो आखिर ये हुआ क्यों, जबकि सैटेलाइट्स बनाने का खर्चा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का होता है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया जाए। देखा जाए तो हम इंटरनेट यूज करने के लिए पैसे देते हैं, मतलब डेटा पैक लो, रिचार्ज करवाओ, पर गूगल मैप के लिए हमें कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी पड़ती। स्मार्टफोन्स में ये एक इनबिल्ट फैसिलिटी के साथ आती है। तो एक्चुअली ये पूरी तरह से तो फ्री नहीं है, क्योंकि चाहे USA हो या इंडिया या कोई और कंट्री, सैटेलाइट्स या दूसरी सर्विसेज के लिए हम गवर्नमेंट को टैक्स तो पे करते ही हैं। वही पैसा कंट्री और लोगों की प्रोग्रेस के लिए यूज किया जाता है। शुरुआत में सैटेलाइट्स को इसीलिए सिर्फ मिलिट्री सर्विसेज के लिए ही रखा गया था, क्योंकि अगर इसे पब्लिकली ओपन किया जाता तो बहुत से मिलिट्री लोकेशंस का पता दुश्मन को लग जाने की पॉसिबिलिटी होती। लेकिन 1983 में जब आज का रशिया USSR था, तब SU-15 फाइटर जेट ने एक कोरियन पैसेंजर फ्लाइट को मार गिराया था, जो गलती से रशिया के रेस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस में घुस गया था। इस इंसिडेंट को होने से रोका जा सकता था अगर मिलिट्री सर्विसेज के अलावा भी कोई पब्लिकली अवेलेबल GPS सिस्टम होता। तो इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद तब के US प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने 16 सितंबर 1983 में ये अनाउंस किया कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को पब्लिक सर्विसेज के लिए भी अवेलेबल किया जाएगा, वो भी पूरी तरह से फ्री। लेकिन यहां एक झोल भी था। ये कहा गया कि सिग्नल से मिलने वाली एक्यूरेसी को 100 मीटर तक कम कर दिया जाएगा। ये काम तो करता, पर आज के जितना एक्यूरेट परफॉर्मेंस के बिना, ताकि US आर्मी को टैक्टिकल एडवांटेज मिले और उसका कोई गलत फायदा ना उठा सके। लेकिन 17 साल बाद, साल 2000 में US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने एक बिल साइन किया, जिसमें उन्होंने GPS सर्विस को 100% एक्यूरेसी के साथ पब्लिकली अवेलेबल करवा दिया। इस सर्विस को USA के बाहर भी दिया जाने लगा। लेकिन USA और रशिया की राइवलरी के चलते रशिया ने अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम ग्लोनास डेवलप किया। इस ग्रुप के 24 सैटेलाइट्स की मदद से रशिया का अपना GPS है ग्लोनास, यानी ग्लोब नाया नेविगेशनाया स्पूटनिक कोवाका सिस्टमा। अब सिर्फ USA के भेजे सैटेलाइट से अगर सर्विस ली जाए तो हो सकता है कि USA उसे अपने फायदे के लिए यूज करे। इसी डर के चलते बाकी देशों ने अपने अपने सैटेलाइट्स भेजने शुरू किए। चाइना का GPS सिस्टम है बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसे चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन या CNSA ऑपरेट करता है।
अगर आपने द मार्शियन मूवी देखी है तो उसमें मंगल ग्रह पर फंसे यूएस एस्ट्रोनॉट को लाने में सीएनएसए अपनी बनाई हुई सीक्रेट स्पेस टेक्नोलॉजी रिवील करता है और नासा की हेल्प करता है। बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की बात करें तो चाइना ने ऐसे 30 जीपीएस सैटेलाइट्स भेज रखे हैं। यूरोपियन यूनियन के भी 30 जीपीएस सैटेलाइट्स हैं जिन्हें गैलीलियो कहते हैं और जापान के ऐसे 2 जीपीएस सैटेलाइट्स हैं। फाइनली बात करते हैं इंडिया की। इंडिया के पास अपने जीपीएस ट्रैकिंग के लिए 7 मेजर सैटेलाइट्स हैं जो पूरी कंट्री को कवर करते हैं। ये 7 सैटेलाइट्स एक ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स की तरह काम करते हैं और ग्रुप का नाम है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम या IRNSS, जिन्हें नाविक भी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन और ये IRNSS का ऑपरेशनल नेम है। ये सभी 7 सैटेलाइट्स रियल टाइम पोजिशनिंग और टाइम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसरो ने IRNSS के टोटल 9 सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे, जिनमें से एक का लॉन्च फेल हो गया था और दूसरे सैटेलाइट लॉन्च होने के बाद फेल हो गई। तो अभी 7 सैटेलाइट्स सिस्टर्स एक्टिव है और इंडियन रीजन के साथ साथ अपने बॉर्डर से बाहर भी 1500 किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। नाविक भी जीपीएस की तरह आपको मैप, नेविगेशन और डायरेक्शन सर्विसेज देता है। क्या आपको पता है नाविक नेविगेशन सिस्टम बनाने का मोटिवेशन इंडिया को कहां से मिला? अगर आपने जवाब में कारगिल वॉर कहा है तो आप सही है। जब पाकिस्तानी ट्रूप्स ने 1999 में कारगिल में पोजीशंस ले ली थी, तब इंडियन आर्मी ने इसका जीपीएस डेटा निकलवाने की सोची और यूएसए के स्पेस बेस्ड नेविगेशन सिस्टम यानी जीपीएस से जरूरी जानकारी और लोकेशन मांगी गई, पर यूएसए ने इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया। तब इंडिया को रियलाइज हुआ कि देश के पास अपना भी एक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए। तब की वो सोच लगभग 13 सालों बाद हकीकत में तब्दील हुई जब इसरो ने 1 जुलाई 2013 को अपना जीपीएस वाला सैटेलाइट IRNSS-1A लॉन्च किया, पर ये पार्शियली फेल हो गया। इसके एटॉमिक क्लॉक्स फेल हो गए थे और नाविक ग्रुप का ये पहला सैटेलाइट शॉर्ट मैसेज ब्रॉडकास्ट सर्विस के लिए काम में लाया गया। उसके बाद लगातार 6 सैटेलाइट्स का लॉन्च सक्सेसफुल रहा, 8वां लॉन्च अपनी जगह पर पहुंच ही नहीं पाया तो ये एक और फेल्योर रहा और इस ग्रुप का 9वां सैटेलाइट 12 अप्रैल 2018 को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। ये सभी 7 सैटेलाइट्स धरती से ऊपर 36,000 किलोमीटर की दूरी पर जियो स्टेशनरी और जियो सेंक्रोनस ऑर्बिट में है। 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स पृथ्वी के इक्वेटर के बराबर घूमते हैं और बाकी के 4 थोड़े टाइटल्ड पोजीशन में जियो सेंक्रोनस ऑर्बिट में है। यहां जीपीएस और IRNSS के बीच एक बेसिक डिफरेंस भी समझ लीजिए। जीपीएस में ग्लोबल, ये वर्ड स्टैंड करता है पूरी दुनिया के लिए, यानी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए आपको जीपीएस मिलेगा। जीपीएस सैटेलाइट्स पूरी धरती को कवर करते हैं, वहीं IRNSS सिर्फ इंडिया और साउथ एशिया को कवर करता है। जीपीएस की तरह ही रशिया का ग्लोनास, चाइना का बाइडू और यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो सैटेलाइट्स भी ग्लोबल कवरेज देते हैं। ये हुई बात इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी नाविक की। अब बात करते हैं गगन सैटेलाइट की। इसका फुल फॉर्म है जीपीएस एडेड जीईओ ऑगमेंटेड नेविगेशन। सो बेसिकली गगन का काम है एविएशन इंडस्ट्री को सपोर्ट करना। देश भर में जितनी भी फ्लाइट्स की टेक ऑफ और लैंडिंग होती है उन्हें भी सही जगह लाने के लिए और रास्ता दिखाने के लिए नेविगेशन की जरूरत पड़ती है। यही काम गगन करता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो ने जॉइंट कोलैबोरेशन करके जीपीएस एडेड जीईओ ऑगमेंटेड नेविगेशन यानी गगन को बनाया है। ऑगमेंटेशन का मतलब होता है किसी चीज को इंक्रीज करना या बढ़ाना। तो गगन सैटेलाइट सिस्टम नाविक की परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए है ताकि नेविगेशन 100% एक्यूरेट हो। इंडियन एयरस्पेस में गगन की सैटेलाइट नेविगेशन देता है
और जैसे ही कोई इंडियन एयरक्राफ्ट इंडियन एयर स्पेस के बाहर जाता है तब बाकी देशों के ऑगमेंटेशन सैटेलाइट सिस्टम ये काम करते हैं। साथ ही गगन का एक और काम है धरती के आयनोस्फीयर को स्टडी करना। इंडियन सैटेलाइट्स जब सिग्नल भेजते हैं तो वो एंड यूज तक पहुंचते हुए आयनोस्फीयर से होकर ही गुजरते हैं, और उन सिग्नल्स को आयनोस्फीयर से किस तरह की डिस्टरबेंस होती है गगन इसका पता लगाता है ताकि सिग्नल्स को बेहतर बनाया जा सके। धरती से ऊपर 60 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक आयनोस्फीयर लेयर मौजूद है। पर अब आप सोच रहे होंगे कि जब भी हम नेविगेशन डालते हैं तो मोबाइल पर GPS ही क्यों आता है, नाविक नेविगेशन सिस्टम तो दिखता ही नहीं। तो आप बिल्कुल सही हैं। एक्चुअली अब तक इंडिया में जो भी स्मार्टफोन यूज हो रहे हैं उनमें इनबिल्ट GPS आता है। ऐसे ढेर सारे ब्रांड्स हैं जिनके स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के बाहर होती है, और हो सकता है कि आपका फोन भी वही हो। 130 करोड़ की आबादी वाले अपने देश में लगभग 74 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स हैं। तो GPS के बदले नाविक नेविगेशन अगर मोबाइल में यूज करने का ऑप्शन होगा तो अपनी इंडियन टेक्नोलॉजी डेवलप होगी और देश को इसका फायदा मिलेगा। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इंडिया में बनने वाले स्मार्टफोन्स में नाविक इनेबल करवाया जाए। इसके लिए कंपनी से बातचीत भी चल रही है। अभी नाविक का यूज बहुत लिमिटेड है। पब्लिक व्हीकल्स की ट्रैकिंग, नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, और जब मछुआरे छोटी बड़ी शिप्स से फिशिंग करने जाते हैं तब इंडियन वाटर बॉर्डर का पता लगाने के लिए नाविक नेविगेशन की हेल्प लेते हैं। अब इसे लार्ज स्केल पर लाने की कोशिशें चल रही है। इसीलिए 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट सैटेलाइट नेविगेशन ड्राफ्ट पॉलिसी लेकर आई, जिसका मकसद था नाविक को GPS की तरह ग्लोबल बनाना। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगस्त 2021 में कहा था कि पोजीशन एक्यूरेसी के मामले में इंडिया का नाविक USA के GPS जितना ही एक्यूरेट है। स्मार्टफोन्स में नाविक नेविगेशन वाला फीचर आ जाए इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने Xiaomi, एप्पल, सैमसंग जैसी कंपनीज के साथ मीटिंग की थी और अपनी मैन्युफैक्चरिंग को नाविक कंपैटिबल बनाने को कहा था। इस पर Xiaomi, एप्पल और सैमसंग ने कहा कि ऐसा करने से मोबाइल के हार्डवेयर में काफी चेंजेस करने पड़ेंगे और इसमें काफी खर्चा भी आएगा। ये रिपोर्टिंग रियूटर्स ने की थी। अब गवर्नमेंट ने तो कहा है कि साल 2023 की शुरुआत से ही इंडियन मार्केट में जो स्मार्टफोन्स आएंगे उनमें नाविक नेविगेशन होना चाहिए, पर कंपनीज जिस तरह की बातें कर रही हैं उससे ये मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कंपनीज हमेशा प्रोडक्शन लाइन के हिसाब से अगले 2-3 साल की प्लानिंग के साथ चलती है। इसीलिए सैमसंग सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन कर रहा है कि अगर नाविक को इंडियन स्मार्टफोन्स में डालना ही पड़ेगा तो 2024 तक के उनके प्रोडक्शन पर इसका असर पड़ेगा। चिपसेट्स के साथ साथ हार्डवेयर में चेंजेस लाने होंगे और ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि काफी R&D करनी पड़ेगी। इंडिया में Xiaomi और सैमसंग का स्मार्टफोन शेयर लगभग 38% है, एप्पल का 3%, अदर चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स का 28% और Realme का 16%। पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नाविक को इनेबल करने के लिए जो मीटिंग बुलाई थी उसमें Realme शामिल नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इंडिया नेविगेशन सिस्टम में भी GPS की डिपेंडेंसी से फ्री हो जाए, ताकि जब इंडिया स्मार्टफोन यूजर्स नाविक नेविगेशन यूज करेंगे तो इससे इंडियन इकोनॉमी बूस्ट होगी। अगर चाइना, रशिया, EU और जापान का एग्जाम्पल ले तो रीजनल के साथ साथ इनका अपना ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम भी है, इसीलिए GPS ये यूज ही नहीं करते। बस इंडिया में अभी तक ये पॉसिबल नहीं हो पाया है, तभी हम अक्सर लोगों को ऐसी बातें कहते हुए सुनते हैं, GPS लगा लेते हैं इजी रहेगा। कभी नाविक का नाम किसी से नहीं सुना कि नाविक ऑन कर लो सही रास्ता पता चल जाएगा। इस केस में चाइना और रशिया बहुत आगे है। रशिया ने लोकली प्रोड्यूस होने वाले अपने स्मार्टफोन्स में ग्लोनास, जो रशिया का ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है, वो डालना मैंडेटरी कर दिया है, ताकि कल को अगर USA कह दे कि रशियन सिविलियंस GPS यूज नहीं कर पाएंगे तब क्या होगा, क्योंकि इराक में
अपने मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान यूएसए ने जीपीएस को ऑफ कर दिया था। इसके अलावा चाइना में बनने वाले स्मार्टफोन्स में भी चाइना का बाइडू अवेलेबल है। 2021 में आए एक रिपोर्ट में कहा गया था कि चाइना के लगभग 94.5% मोबाइल फोन्स में बाइडू सपोर्ट करता है। एप्पल ने अपनी वेबसाइट में ये बता रखा है कि उसके फोन्स में जीपीएस, ग्लोनास और बाइडू तीनों सपोर्ट करता है। अब आईफोन में नाविक भी आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन नाविक को स्मार्टफोन्स में डालने के लिए मोबाइल कंपनीज ने 2025 तक का टाइम मांगा है, क्योंकि शाओमी और सैमसंग को ड्यूअल बैंड चिपसेट यूज करना पड़ेगा, तभी नाविक काम करेगा। इस पर अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं आया है, तो देखते हैं आगे क्या होगा। अब बात करते हैं उन सेक्टर्स की जहां जहां नेविगेशन सिस्टम्स यूज होते हैं। एविएशन इंडस्ट्री पूरी तरह से नेविगेशन सिस्टम पर डिपेंडेंट है। आज के सभी मॉडर्न एयरक्राफ्ट मिलिट्री जेट फाइटर्स, जीपीएस या दूसरे ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम से अपना रास्ता ढूंढते हैं। फ्लाइट्स का रूट भी बेसिकली जीपीएस से ही डिसाइड होता है, क्योंकि सैटेलाइट सिग्नल लॉस होते ही एक एयरक्राफ्ट क्रैश कर सकता है। उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसे जाना कहां है, कौन सा एयर स्पेस सेफ है और कौन सा रेस्ट्रिक्टेड। ज्यादातर एयरक्राफ्ट्स इसीलिए ही क्रैश करते हैं कि सिग्नल लॉस के चलते वो मॉनिटरिंग रडार से ओझल हो जाते हैं। मरीन इंडस्ट्री भी समंदर में अपनी लोकेशन पता करने के लिए जीपीएस या दूसरी नेविगेशन को यूज करती है। समंदर में तो और भी हाईली एक्यूरेट नेविगेशन ऐप एंड सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कैप्टन्स हमेशा मरीन डिपार्टमेंट से अपडेट लेते रहते हैं कि कहीं कोई तूफान तो नहीं आ रहा, कहीं समंदर में कोई बड़ा जहाज तो नहीं है, कोई आइसबर्ग, हाई टाइड या कोई और प्रॉब्लम। समंदर में किसी चीज की खोज के लिए, डीप डाइविंग के लिए, सर्च ऑपरेशंस के लिए और खुदाई करने के लिए भी सैटेलाइट नेविगेशन चाहिए होती है। एग्रीकल्चर सेक्टर, ये तो बिना सैटेलाइट सिस्टम के डिवेलप ही नहीं हो पाता। आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, बारिश होगी या नहीं, बाढ़, सूखा, बर्फबारी कितनी होगी, ज्यादा होगी या कम, उस लिहाज से जो डेटा मिलता है उससे आगे की प्लांटेशन और हार्वेस्टिंग डिसाइड होती है। साथ ही मिट्टी की क्वालिटी कैसी है या किसी बड़े एरिया में किस चीज की खेती ज्यादा बेनिफिशियल होगी, ये भी पता लगाने में आसानी होती है। साइंस एंड रिसर्च, साइंस एंड रिसर्च के काम में जीपीएस नेविगेशन एक यूजफुल टूल है। किसी जानवर को ट्रैक करना है, जानवरों के झुंड का पता लगाना है, किसी अनरीचेबल जगह पर पहुंचना है, ये सब कुछ जानवरों पर नेविगेशन बेस्ड कॉलर लगाकर पता की जाती है। जहां जानवरों को बहुत बड़े एरिया में चारा खाने के लिए छोड़ दिया जाता है, वहां भी ऐप बेस्ड नेविगेशन से उन्हें ढूंढ लिया जाता है, ताकि शाम को दोबारा उन्हें बाड़े में लाने में आसानी हो। नदी, समंदर, पहाड़, बर्फीले इलाके सब कैसे चेंज हो रहे हैं, कहीं नदी सूख गई है, पूरी ज्योग्राफी ही बदल गई है, कितनी तेजी से बर्फ पिघल रहे हैं, कितना कुछ है जिसका अपडेटेड इंफॉर्मेशन हमें जीपीएस ही देता है। जीपीएस टेक्नोलॉजी सर्वेइंग और मेजरमेंट के काम में भी हेल्प करती है। कौन सा एरिया कितना बड़ा है, कोई पहाड़ी कितनी ऊंची है, समंदर की गहराई कितनी है, ये सब कुछ मेजर करने के लिए जीपीएस की ही मदद ली जाती है। एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के जरिए ये सभी मेजरमेंट्स किए जाते हैं। इसी से किसी देश की लैंड, वाटर एंड स्पेस बाउंड्री तय की जाती है। साथ ही किसी जगह का स्ट्रक्चर बदल गया है तो वो भी अपडेट कर दिया जाता है। जैसे कहीं अगर ब्रिज बना है, कोई फ्लाईओवर बना है, कोई नई बिल्डिंग बनी है या जो भी नया स्ट्रक्चर बनता है, तो सैटेलाइट से उसकी मैपिंग करके उसे मैप पर दिखाया जाता है। मिलिट्री सर्विसेज का एग्जाम्पल ना ही दे तो चलेगा, क्योंकि यूएसए ने जीपीएस सर्विस की शुरुआत ही मिलिट्री सर्विस के लिए की थी। फाइटर प्लेन्स, सबमरीन्स, वॉरशिप्स, सोल्जर्स एंड ट्रूप्स की लोकेशन सब कुछ जीपीएस से ही ट्रैक किया जाता है। फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस भी जीपीएस सर्विस को बेस करके ही अपना क्रेडिट और डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन सर्विस शुरू कर पाई, क्योंकि कौन से कस्टमर ने कितने बजे कहां और किस कंट्री से नेशनल या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किया है, ये सारी इंफॉर्मेशन जीपीएस से ही पता चलती है।
आजकल की दुनिया में लगभग हर कहीं कार्ड बेस्ड और डिजिटल ट्रांजेक्शन इतना बढ़ चुका है कि बिना जीपीएस के हम ये फैसिलिटी यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि हाई स्पीड इंटरनेट और एग्जैक्ट लोकेशन एंड टाइमिंग हमें जीपीएस सैटेलाइट सर्विस से ही पता चलती है। स्पोर्टिंग एंड सोशल एक्टिविटीज जैसे क्रॉस कंट्री, साइकिलिंग, स्कीइंग, हाइकिंग, स्काई डाइविंग, पैराग्लाइडिंग में भी पार्टिसिपेंट्स को ट्रैक करने के लिए, टाइम एंड डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, चीटिंग करने से रोकने के लिए, किसी भटके हुए एथलीट को ढूंढने के लिए जीपीएस टेक्नोलॉजी ही काम में ली जाती है। सोलो ट्रैवलिंग, हंटिंग, फिशिंग, रेस्क्यू ऑपरेशंस, मेडिकल एड देने के लिए, सब कुछ में जीपीएस चाहिए। यहां तक कि ड्रोन्स उड़ाने के लिए भी जीपीएस सिग्नल्स की जरूरत पड़ती है। मिनिमम 3 सैटेलाइट्स के साथ कम्युनिकेशन जरूरी है ड्रोन फ्लाइंग के लिए, तभी एक ड्रोन को एक्यूरेट डेटा मिलता है। गूगल, टेस्ला और बाकी ऑटोमोबाइल कंपनीज भी ड्राइवरलेस कार डेवलप करने में लगी हुई है। ये भी जीपीएस की मदद से ही किया जाता है। ये जीपीएस सिस्टम बहुत हाई होते हैं और लगभग हर तरह का डेटा प्रोसेस करके देते हैं, ताकि कार का सेल्फ ड्राइव सिस्टम चीजों को आइडेंटिफाई कर सके कि कहां ट्रैफिक है, कहां सड़क है, हाईवे कहां है और सड़कों पर कौन सा ऑब्जेक्ट है, ताकि एक्सीडेंट्स होने से रोका जा सके। लेकिन ये मॉड्यूल पूरी तरह से सक्सेसफुल रही है और R&D चल ही रही है। अब बात करते हैं जीपीएस सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स की। जी, इसमें भी खामियां हैं, आपने भी झेली जरूर होगी। निकले कहीं और जाने को और पहुंच गए कहीं और। शॉर्टकट के नाम पर जीपीएस आपको कई बार ऐसी जगह पहुंचा देता है कि ना आगे बढ़ा जाता है और ना ही पीछे। जीपीएस रिसीवर्स तभी काम करते हैं जब उन्हें लगातार सिग्नल्स मिलते हैं। 100% एक्यूरेसी के लिए एक साथ 4 सैटेलाइट से सिग्नल्स मिलना जरूरी होता है। अगर आप 3 सैटेलाइट सिग्नल्स रिसीव कर रहे हैं तो हो सकता है आपको सही लोकेशन ना मिले, ऐसे में आप भटक सकते हैं। साथ ही सिग्नल्स वीक होने पर जब आपके रास्ते में पेड़ पौधे, घर, वॉल्स, स्काई स्क्रैपर्स आए तो हो सकता है सिग्नल में डिस्टर्बेंस मिले। अगर आप नेविगेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आप रिसीवर हैं, ऐसे में आपके पास सही जानकारी पहुंचनी जरूरी है। पर अगर सैटेलाइट्स की कमी है तो वो आपको सही पोजीशन की डिटेल्स नहीं भेज पाएंगे, कुछ का कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी ही होगी। जीपीएस सिस्टम आपके डिवाइस की बैटरी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, इसीलिए अगर आप लो बैटरी पर ऑपरेट कर रहे हैं और आपके पास कोई चार्जिंग फैसिलिटी नहीं है तो हो सकता है आपको सही जानकारी ना मिले या डिवाइस स्विच्ड ऑफ हो जाने पर आप इमरजेंसी कम्युनिकेशन भी ना कर पाए। कई बार जीपीएस से आपकी प्राइवेसी भी खराब होती है। सपोज आप कहीं गए हैं और आपसे कोई पूछे कि कहां हैं आप और आप उन्हें बताना नहीं चाहते तो वो आपसे आपकी लाइव लोकेशन मांग बैठते हैं। ऐसे में अगर आप डिनाय नहीं कर पाए तो आपकी लोकेशन का पता अगले को चल ही जाएगा। कई लोगों को ड्राइविंग करते हुए जीपीएस फैसिलिटी इरिटेट भी करती है। लोकेशन डालो, चेंज करो, वॉइस कमांड दो, वॉइस कमांड को ध्यान से सुनो, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको डिस्टर्ब करती है। हालांकि ऐसा बहुत कम लोगों को ही लगता होगा, पर ऐसे लोग भी हैं। जीपीएस से किसी की भी जासूसी भी की जा सकती है और ऐसा होता भी है। ऐसे में आपकी आइडेंटिटी, पर्सनल लाइफ और राइट ऑफ फ्रीडम वायोलेट होता है। इसको रिवर्स करके कहें तो इसका एडवांटेज भी है। जैसे किसी क्रिमिनल, किडनैपर या टेररिस्ट को जीपीएस ट्रैकिंग से मॉनिटर भी किया जा सकता है। अगर यही जीपीएस ट्रैकर किसी सीक्रेट एजेंट, सोल्जर या पुलिस में लगा दिया जाए तो दुश्मन के लिए बहुत से इंपॉर्टेंट बातें पता चलेंगी और वो अपने एनिमी के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग पोजिशन पर रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आज के इस डॉक्यूमेंट्री से आपको जीपीएस की जरूरी जानकारी मिल गई होगी और आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। तो थैंक यू सो मच इन्फिनिटी स्ट्रीम.टीवी के साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।